नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में झारखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पूरे देश ने तालियां बजाई, दिल खोलकर स्वागत भी किया। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इतना सब कुछ कर पाने के पीछे खिलाड़ियों का अथक प्रयास जो होता है, लेकिन खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण देने में शायद झारखंड सरकार अभी बहुत पीछे है। यदि आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो एक बार पश्चिमी जिले के स्टेडियम और खेल के मैदान की स्थिति जरूर देखिए, तब आपको यह आभास जरूर हो जाएगा कि आखिर यह खिलाड़ी किसके बल पर इतना उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने को तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में 10 से ज्यादा खेलकूद के स्टेडियम हैं, लेकिन सभी की हालत जर्जर है। इन स्टेडियम में नियमित रूप से खेलकूद होना तो दूर, इनका रखरखाव तक नहीं हो पा रहा है। सरकारें मेहरबान रही और साल दर साल एक के बाद स्टेडियम का निर्माण होता रहा, लेकिन यह स्टेडियम आज खंडहर के रूप में तब्दील हो गए हैं। यहाँ कोई खेलने तक नहीं जाता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ठेकेदारी के लिए स्टेडियम बनाए जाएंगे तो उनकी उपयोगिता पर भला ध्यान क्यों दिया जाएगा। लिहाजा जिले के तकरीबन सभी स्टेडियम बेकार पड़े हुए हैं। चैंबासा के बड़ा चीरू में 20 साल पहले स्टेडियम बना, लेकिन उसकी हालत क्या है उसे आप खुद देख लीजिए। दर्शकों के लिए बनाए गए गैलरी टूट रही है और मैदान में झाड़ियाँ उग आई हैं। जब इसके बारे में बड़ा चीरू के खिलाड़ियों से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आप उन्हीं से सुनिए। लगभग 2000 में तो उसके बाद से इसको इसका मेंटेनेंस वगैरह और देखरेख के लिए कुछ उपाय है। उसके बाद जब ये हम लोग का प्रयास से जब हाईवे रोड बन रहा था उसमें हम लोग ग्रेडर मशीन लगा करके प्लान किए थे। उसके बाद लगभग 3 साल पहले या 3 या 4 साल पहले टाटा स्टील द्वारा फिर एक बार समतलीकरण के लिए एक बार टेंडर हुआ था, उसमें क्या हुआ कि आधा अधूरा काम हो करके छूट गया है। खेल विभाग जो आपका चैबासा का है वो कुछ यहाँ करता है? जी नहीं, कुछ नहीं। जी नहीं। ये सेड बना है, कौन बनवाया है? माननीय विधायक दशरथ गगरी द्वारा। अर्जुन मुंडा जी के तरफ से भी यहाँ कुछ बना था कभी? जो बड़ा सा गैलरी है तो यहाँ खेल उल होता है? जी हाँ, अगस्त के लास्ट तारीख में जो राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में होता है, फुटबॉल वगैरह। जी हाँ। और इसके अलावा साल भर में कोई कभी खेल उल? और उसके बाद हम लोग मार्च के आसपास में मांगे प्रूफ करते हैं, उसमें स्पोर्ट होता है। यहाँ ट्रेनिंग वगैरह होता है खेल का? कोई पहले हो रहा था जो टाटा स्टील के द्वारा अंडर 10 ईयर्स का लड़कों का टीचिंग हो रहा था, ट्रेनिंग होता था। जी। तो अब बंद हो गया है। ये कब बंद हुआ? लगभग 3 साल हो गए। 3 साल से यहाँ नहीं हो रहा कुछ भी? जी नहीं। तो सिर्फ फुटबॉल का होता था? जी हाँ। उसके अलावा तीरंदाजी और हॉकी? तीरंदाजी होता था, जो समर कैंप होता था उसमें होता था, साल में एक एक बार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के गोपीपुर में 8 साल पहले करीब 40 लाख की लागत से बनाए गए स्टेडियम का हाल भी देख लीजिए। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ खेल का आयोजन नहीं होता है। अब जब खेल का आयोजन ही नहीं होगा तो रखरखाव की बात कहाँ आएगी। ऐसे में यह स्टेडियम और यहाँ बना भवन जर्जर होता जा रहा है। स्टेडियम में बनाए गए गैलरी और भवन टूट रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पहले इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रखरखाव की कमी के कारण आज स्टेडियम बेकार पड़ा हुआ है। प्रखंड मुख्यालय से स्टेडियम की दूरी करीब 5 किलोमीटर है, इसलिए भी संभवतः मनोहरपुर के खिलाड़ी यहां नहीं पहुंच पाते हैं। स्टेडियम जो बना है उससे खिलाड़ियों को कोई लाभ नहीं है और काफ़ी दूर होने के कारण हमें आने जाने में असुविधा है, सरकार इसको थोड़ा ध्यान दे। कमोवेश यही हाल जगन्नाथपुर में बनाए गए स्टेडियम का भी है। यह स्टेडियम गायों के लिए चारागाह बना हुआ है। भवन की हालत जर्जर है, इस्तेमाल नहीं होने के कारण हर तरफ गंदगी का अंबार फैला हुआ है। न्यूज़ टाइम्स की टीम ने जब जिला खेल कार्यालय से जिले में कितने स्टेडियम हैं और उनकी स्थिति क्या है
इसके बारे में जानने की कोशिश की तो तस्वीर और भी भयावह नजर आई। जिले में करीब 10 स्टेडियम हैं, कुछ को छोड़कर बाकी सब बेकार पड़े हुए हैं। चक्रधरपुर, बंदगांव, गोइलकेरा और मनोहरपुर स्टेडियम का तो कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2008-09 में करीब 67 लाख रुपए की लागत से इन स्टेडियम को बनाने का काम शुरू हुआ। पूरी राशि भी खर्च हो गई लेकिन कार्य पूरा नहीं हो सका। इसके पीछे का कारण यह है कि जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश मनरेगा घोटाले में खुद जेल चले गए। अन्य कार्यकारी एजेंसियों द्वारा बनाए जा रहे स्टेडियम का निर्माण कार्य तो पूरा हुआ लेकिन आज कोई भी स्टेडियम इस्तेमाल करने की हालत में नहीं है। खेल को बढ़ावा देने के लिए हेमंत सरकार ने राज्य के 19 जिलों में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। पश्चिमी सिंहभूम की जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की से जब खेल मैदानों की बदतर हालत के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जहां जाएं स्टेडियम बना है, उन्होंने उसका निरीक्षण किया है और समस्या से अवगत हुई हैं। इन सारी बातों से उन्होंने विभाग को भी अवगत कराया है ताकि भविष्य में व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। सबसे पहले तो यही करना चाहेंगे कि खेल विभाग इसके लिए जागरूक है, तभी आज जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है। इससे पहले खेल पदाधिकारी की कमी के कारण हर जगह निरीक्षण और समन्वय स्थापित नहीं हो पाता था। अब ये है कि हम जहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं वहाँ जाके निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ की जो समस्या है उससे अवगत हो रहे हैं और उन समस्याओं को, जो कमी और घटी दिख रही है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं है, उन सभी समस्याओं को लेकर हम विभाग को अवगत करा रहे हैं ताकि भविष्य में उसको सुधारा जा सके और उसकी मरम्मति कार्य और जो भी चीज है उसको पूरा किया जा सके। रोनियार वैश्य संघ चैबासा की बैठक संघ के अध्यक्ष मदनलाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में संघ के क्रियाकलापों को लेकर अध्यक्ष द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि रोनियार वैश्य संघ की ओर से समाज के हित में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। बैठक में संघ के संरक्षक राजाराम गुप्ता, सचिव राजकिशोर साहू, छोटूलाल गुप्ता, नवीन गुप्ता, मनीष गुप्ता के अलावे समाज के लोग शामिल थे। फाइलेरिया से बचाव के लिए नगर परिषद चैबासा की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर परिषद कार्यालय में शुरू किए गए जागरूकता अभियान में लोगों से फाइलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए जा रहे DEC और एल्बेंडाजोल की गोली खाने की सभी लोगों से अपील की गई। जागरूकता अभियान में राज्य स्तर के कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार सिंह, जिला कोऑर्डिनेटर पूनम कुमारी, बीरबल ठाकुर, अरुण किशोर, पिनाकी दास सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। दिव्यांग जनों को निशुल्क कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए जिले के कई प्रखंड कार्यालय में मूल्यांकन कैंप लगाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनीशा कुजूर ने कहा कि 20, 21, 23, 24 और 25 अगस्त को मूल्यांकन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कैंप का लाभ लेने के लिए दिव्यांग जन आवश्यक कागजात के साथ उपलब्ध हों ताकि उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि 20 और 21 अगस्त को तैंबासा सदर प्रखंड कार्यालय, 23 अगस्त को हाटगमरिया प्रखंड कार्यालय, 24 अगस्त को चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय और 25 अगस्त को सोनुआ प्रखंड कार्यालय में कैंप लगाया जाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज आशा किरण मुखबधिर विद्यालय, छाया बालिका गृह, बालकुंज केंद्र, सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान, जिला स्कूल परिसर स्थित आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र, बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रशिक्षु IAS रवि जैन और जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने वहां की व्यवस्था और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मुखबधिर विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त ने स्कूल के वार्डन और बच्चों से व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान यह पता चला कि गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ भोजन लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ गैस की व्यवस्था कराने का आश्वासन उपायुक्त ने दिया। बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। बालकुंज में प्रताड़ना का शिकार बच्चों को रखा जाता है। उपायुक्त ने यहाँ बच्चों से बातचीत की और मिलने वाली व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित संप्रेषण गृह का भी मुआयना किया। जिला स्कूल स्थित ट्रेनिंग सेंटर के आसपास जिम बनवाने के लिए उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य से विचार विमर्श किया। उपायुक्त ने कहा कि इन सारी जगहों पर व्यवस्था को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। बेहतर व्यवस्था हो सके इसके लिए क्या कमियां हैं और इनके बारे में जानकारी ली जा रही है, तभी आगे इसमें सुधार करके बेहतर व्यवस्था किया जा सकता है। चेक करने के लिए कि यहाँ क्या व्यवस्था है और साथ ही वार्डन इत्यादि से बात करने के लिए कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ की व्यवस्था को और सुधार लाया जा सकता है तो उसके सजेशन प्राप्त करते हैं। फ्री वॉल का हम लोगों ने देखा है कि खासी दिक्कत है यहाँ पर, बाउंड्री वॉल छोटी है तो बच्चों के बाहर जाने का डर रहता है। स्कूल का संचालन नहीं हो रहा है बट आगे आगे जैसे भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि का हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सर, लकड़ी की एक समस्या थी, गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं हो रहा है, तो लकड़ी जलाई जा रही है। ये एक दिक्कत बताई गई है जिसको हम लोग गैस जो प्रोवाइड कराएंगे, लकड़ी पे काम नहीं होगा। सलग्रे और बालकुंज में हम लोगों ने विजिट किया, यहाँ पर कैसी व्यवस्था है और उसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी NGOs हैं उनसे और सजेशन लिए गए और साथ ही साथ निरीक्षण कर ये दिशा निर्देश भी दिया गया कि किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। बच्चों का बहुत टैलेंट देखा गया और ये पाया गया कि उनको और यूटिलाइज किया जा सकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बैठकों का दौर जारी है। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक जिलों में चलने वाला फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर शुक्रवार को जगन्नाथपुर प्रखंड सभागार में जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जगन्नाथपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार डुंगी के अंचलाधिकारी, जगन्नाथपुर के MOIC चिकित्सक के अलावे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मानकी मुंडा शामिल थे। बैठक में मानकी मुंडा को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में चिकित्सकों ने जानकारी दी, साथ ही उस बीमारी से बचाव के लिए सतर्कता के बारे में बताया गया। रोटरी क्लब की ओर से वसुंधरा कार्यक्रम के तहत एसआर रुंटा ग्रुप के सौजन्य से जिला स्कूल में पौधारोपण किया गया। यहां आम, अमरूद, आंवला और अशोक के करीब 50 पौधे लगाए गए। विद्यालय के प्रधानाध्यापक वसंत महंती, रोटरी क्लब के अध्यक्ष निशांत कुमार, सचिव अक्षय चौबे, विशाल गुप्ता सहित अन्य सदस्यों ने पौधारोपण किया और पौधों की रक्षा का संकल्प लिया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर वेस्ट सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा चक्रधरपुर में COVID-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। चक्रधरपुर वन विश्रामागार में आयोजित इस शिविर में 180 लोगों को COVID-19 से बचाव हेतु वैक्सीन लगाया गया। शिविर में चक्रधरपुर के SDO अभिजीत सिन्हा भी पहुंचे। मौके पर SDO ने COVID-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाने के लिए वेस्ट सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन का सराहना किया और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर चक्रधरपुर टाउन में फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज करके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में इतने सफलतापूर्वक उसका आयोजन कर रहे हैं, और मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि फोटोग्राफर जो हैं आगे भी इसी तरीके से और तरक्की करते रहें। अभी भी सर बहुत लोग जैसे वैक्सीन से छूटे हुए हैं, उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र सोल्यूशन है कोरोना से बचाव का। दुनिया में यही देखा गया है कि ब्रिटेन जैसे कंट्री जहाँ पे वैक्सीनेशन लगभग 100% कम्प्लीट रहा, वहाँ पे अगर कोरोना का तीसरा चौथा लहर आया भी तो लोगों को कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा और लोग वहाँ पे महफूज सेफ रहे। इसीलिए आप सबको यही अनुरोध है कि
मैक्सिमम लोग अब मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, एनजीओज हमारे इतने मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबसे यही निवेदन और अनुरोध है कि आप सब आके इस मौके का फायदा उठाएं। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत गुरुवार को जिला अंतर्गत 150 प्रज्ञा केंद्रों पर EKYC हेतु कैंप का आयोजन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी कालीपद महतो ने बताया कि झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी हेतु अनुमोदित पोर्टल पर जिला अंतर्गत कुल 33,429 किसान निबंधित हो चुके हैं। आज के शिविर में किए गए कुल 129 EKYC के उपरांत कुल 18,711 लाभुकों का EKYC सफलतापूर्वक हो गया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।